यहाँ पे मम्मी हो रही है रेडी अब जाने के लिए। मम्मी हम जाने के लिए तैयार हो गए। उधर हमारे पापा भी रेडी हैं। इधर देख सकते कितना सारा लगेज हो गया है। पूरा सोना हो चुका है घर एकदम। सोना हो चुका है और आज मुझे लगता है कि अकेलेपन क्या चीज़। अब हम दिखाते हैं जी अपना गिफ्ट जो हमने क्रियांश के लिए लिया हुआ है। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है। ऐसा लग रहा है दोनों भाई के शादी को मिला करके जो गिफ्ट होगा वो अकेला क्रियांश के बर्थडे में आ चुका है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने ब्लॉग में। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, सुबह नहा रहा है और मम्मी का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बहू रानी। जब से ये लोग कहते मेरे घर आई हुई ना, तब से मेरा जन्मदिन हो रहा, पहले कभी नहीं होता है, हम पक्का बता रहे हैं। पिछली साल क्रियांश हुआ था तो हम लोगों ने क्रियांश के साथ मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस बार भी मम्मी हमारे ही पास है क्योंकि पोते का जन्मदिन है। वहाँ पे दिल्ली में ये लोग दोनों भाई बहन जिया सब मिलके मनाई थी। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, इतने दिन के अब बूढ़े पे जन्मदिन भी हो रहा है तो ऐसे ही मनाते रहेंगे 100 साल। और अभी खाना हमारा बनेगा, वैसे तो हम लोग का पाव भाजी का आइडिया था लेकिन मम्मी के बर्थडे स्पेशल पर पाव भाजी बनता, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। मम्मी कहती है मुझे तुम्हारे हाथ का आलू परवल पसंद है तो आलू परवल बनाओ, तो आलू परवल बनाएंगे। और इधर मैं बेटा नाई नाई करके आ गया, ठीक है। मम्मी बना रही है मिर्ची का अचार, यहाँ पे मिर्ची बहुत सारा बच गया था और नींबू। मम्मी सोची जाते जाते भी इसका अपना जवाब दे ही दे रहे। मन में सोच रहे थे बहुत अच्छे से बनाएंगे लेकिन बहुत टाइम हो गया। हमारे गाड़ी के टाइम भी हो रहा है, बर्बाद ना हो इसलिए बना रहे हैं। थोड़ा सा इमली बच गया था उसको भी पानी डाल दिए, उसका भी चटनी बना के ही जाएंगे कि 11 बजे ट्रेन। क्रियांश को देख सकते हैं अभी हमारी गोद में और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं क्रियांश भी एकदम तेजी तेजी से बोलते जा रहा है। तो क्रियांश को जो ऊपर में क्लिप लगा दिया गया इसके बाल में ताकि इसका बाल जो आंख पर नहीं आया, फिर से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे इसका बाल जो है लगातार इसके आंख पर आता रहता है। तो होता क्या है जी, यहाँ क्लिप देखिए कुछ देर लगा करके रखा हुआ है और कुछ ही देर में इस क्लिप को यह खोल देगा। क्या बोलो अब तुम्हें बोलो, हम चुप रहते हैं। यहाँ पे मम्मी हो रही है रेडी अब जाने के लिए। मम्मी हम जाने के लिए तैयार हो गए। जी आप पीछे से आएगी, हम आगे आगे जा रहे हैं। अब मैं भी आऊंगी कुछ दिनों में, 4 से 5 दिनों में है ना? बस यही टाइम यही ट्रेन सब कुछ ही है। माँ भी आएंगी, पति देव यहाँ खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी रेडी हुई है और इधर सब कोई अब जाने के लिए रेडी है। कोई बात है, आप टेंशन मत लीजिए, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। हाँ वो तो है, टेंशन नहीं लेना। टेंशन हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आ रहे हैं। कितने टाइम में आगले? 10:50 में है ना आपका ट्रेन? 10:50 में, 10:40 में आएगा, 10:20 हो चुका है आपका, 20 मिनट है आपके यहाँ। उधर हमारे पापा भी रेडी हैं, इधर देख सकते कितना सारा लगेज हो गया है। गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, क्रियांश को उधर लेके गए हैं, नहीं तो क्रियांश गाड़ी देखेगा तो बोलेगा हम भी जाएंगे। तो गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है जी और मम्मी का ट्रेन है मात्र 15 मिनट की दूरी पर। टेंशन में नहीं है, ट्रेन आराम से पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से सारा सामान रखा जाए, मम्मी सबको प्रसाद खिला रही है, रुको दाएं हाथ से लेता है। अब हफ्ते हफ्ते घर फरा के एकदम बहुत तेजी तेजी में आए, मानो चला की ट्रेन ही नहीं आई है यहाँ पर। मम्मी की सांस भी फूल गई। मम्मी रास्ते में कह रही थी कि सामान की यहाँ रखते तो जल्दी पहुँच जाते, ऐसा करते तो जल्दी पहुँच जाते। अब सारा किंतु परंतु खत्म, आराम से ट्रेन पे चढ़ जाएगी। और मानस का जो ट्रेन है वो है 5 नंबर पर, वहाँ भी चलना होगा। इस समय हाथ में 16 मिनट के करीब है हाथ में। मानस और ज्योति को तो छोड़ दिया जी, उनकी ट्रेन आने में जो अभी समय है, मम्मी की ट्रेन जस्ट अब आने ही वाली है तो जल्दी से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। मानस का है प्लेटफॉर्म नंबर 5, चलते हैं जल्दी। मम्मी पापा लोग जो है गाड़ी में चढ़ गए, मानस और ज्योति भी गाड़ी में चढ़ गए और दोनों लोगों को किया विदा और उन दोनों को विदा करके अब हम चल रहे हैं घर। और घर जो है एक चहल पहल था मम्मी के आने से जो कि अब थोड़ा सुना लग रहा है, अब तक हम लोग इस सुनेपन को भुला पाएंगे पता नहीं जी। काफी अच्छा लग रहा था, सभी लोग क्रियांश के बर्थडे में आए और क्रियांश के बर्थडे को इतना स्पेशल बना दिए, काफी अच्छा लगा। The next day. ओए क्रियांश क्या चल रहा है? है? क्या चल रहा है? क्रियांश को जब से पैर हुआ है अब ये बैठना ही नहीं चाहता है, अब चाहता है ये कितना घूमे। अब ये कुर्सी को घुमाएगा। ओए क्रियांश और यहाँ पर जिया बना रही है खाना और आज बन रहा है क्या? करेले का भुजिया और उधर एक करी पहले से बना हुआ और उसके अलावा चावल है और रोटी है। तो पापा का जो है जाने का समय कुछ ही देर में होने वाला है तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है। तो अच्छा तो लगभग हो ही चुका है यहाँ पर खाना पीना का सब। और क्रियांश हमारी गोद में, क्रियांश भी आया हुआ है खाना देखने के लिए।
20 minutes late. तो क्रियांश का देख सकते हैं जी, जो भी गिफ्ट का अनबॉक्सिंग हो चुका है, तो उस गिफ्ट का जो है अब उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह कार अपना क्रियांश चला रहा है, है? आधा घंटा से ज्यादा उसको यूज नहीं करता है, हर समय उसको नया चीज चाहिए, इसलिए कोई चीज उसको दे करके थोड़ी देर बाद ही हटा लिया जाए ताकि उसको भूल जाए वो। लगता है मेरा पोता वैज्ञानिक होगा, हर चीज का खोज करेगा, नया नया चीज को देखता है, बचपन से ही देखा जाता है बच्चा में क्या प्रवृत्ति। देखो बच्चे में क्या प्रवृत्ति हो तो आगे मालूम चलेगा, करके दया दृष्टि है, एक उम्मीद है। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कार कितना बेहतरीन कार है, ये एकदम अच्छा खासा लाइट जल रहा है इसमें, और इसका अगर म्यूजिक ऑन कर दें, देख रहे हैं ये चलता भी बहुत अच्छे से, लेकिन क्रियांश इसको चलने देगा नहीं। जन्मदिन आने वाला था तो उत्सुक थे, कब समय आ जाएगा उसकी तैयारी होगी, ईश्वर के दया दृष्टि से सब कुछ अच्छा ही रहा। बिल्कुल, भगवान दया से सब निपट गया। हाँ। और सभी लोग आए, हमको लगता है कि अगर कोई त्रुटि भी होगा तो हम लोग तुम लोग को बच्चा जान के वो लोग नजरअंदाज कर दिए होंगे और अपना आशीर्वाद की वर्षा करते होंगे। और मेरे तरफ से जो सब लोग आए थे बहुत खुशी, लेकिन आज जो गया था बिल्कुल खालीपन है, बिल्कुल उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पूरा सुना हो चुका है, घर एकदम सुना हो चुका है। और आज मुझे लगता है कि अकेलेपन क्या चीज है। बाहर का मौसम देख सकते हैं जी, कैसा मौसम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, लेकिन बाहर का माहौल देख करके लग रहा है कि अभी बज रहे हैं शाम के 6-7 बज रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही माहौल है देख सकते हैं घर का, तो लग रहा है रात का समय आ गया है। और ये देखिए जी अंदर का हाल, पूरा ऐसा हाल है, और बाहर जो है बारिश हो गई है शुरू, तो देख सकते हैं अच्छी खासी बारिश हो रही है, मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो मजा भी आ रहा है, और पापा की कोर्ट का समय भी हो गया है, तो उनको भी अब छोड़ने जाना है, तो एक बार इसके थमने का इंतजार करेंगे फिर चलेंगे लेकर। और अब क्रियांश का जितना भी खिलौना है कुछ कुछ नीचे रखा हुआ है, सारे खिलौनों को जो है लगभग यहाँ पर रख दिया है, इसको जो है अच्छे से सजाया जाएगा। बाकी कैडबरी सेलिब्रेशन देख सकते हैं इतना अच्छा खासा सेलिब्रेशन आया हुआ था, कुछ कुछ बांट भी दिया गया है। अब हम दिखाते हैं जी अपना गिफ्ट जो हमने क्रियांश के लिए लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है हमारे अनुसार, हम लोग जो है बहुत सोच समझ के लिए थे, और जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, शॉपिंग का तो आपको वीडियो दिखाया था, एक ज्वेलरी के शॉप में गए हुए थे, लेकिन जो है आखिर गिफ्ट क्या है बोला था कि वह दिखाएंगे जन्मदिन के अगले दिन, हमने जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, इतना प्यार दिया और बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी कह रहे थे कि भैया का बोलने का तरीका जो है बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कुछ कुछ कमेंट आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं सबको बहुत मजा आया, सब तो हमें भी सच में जी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था गिफ्ट को खोलते हुए, पर खुशी हो रही थी। हाँ, किसी और का कमेंट यह भी था, क्रियांश से ज्यादा खुशी लग रहा है क्रियांश के पापा को हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जी। और किसी का कमेंट यह था कि लगता है आपकी शादी से ज्यादा इसी में गिफ्ट आए हुए हैं, तो वो भी सही बात है जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों भाई की शादी को मिला करके जो गिफ्ट होगा वो अकेला क्रियांश के बर्थडे में आ चुका है, क्रियांश को सही में बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, तो थैंक यू जी जो भी लोग वहाँ पर आए और इस जन्मदिन को बहुत ही स्पेशल बनाया। और हमारी नानी भी है, देख सकते हैं हमारे फ्रेम में, तो नानी भी ऊपर से देख रही होंगी तो उनको बहुत खुशी हो रही होगी, अगर अभी नानी रहती तो बहुत बहुत ज्यादा और भी ज्यादा अच्छा लगता अगर नानी जी इस दुनिया में रहती इस समय। तो अब दिखाते हैं जी आपको अपना गिफ्ट, ज्यादा देरी नहीं करती हुई, ये देखिए ये सीधी थैली दिखा रही है, थैली खोला जाए तो थैली को जैसे ही जिया खोलेगी एक मिलेगा डिब्बा, और डिब्बे के अंदर है एक कागज का वो रैप किया हुआ, और कागज को जैसे ही खोला जाएगा यहाँ मिल जाएगा, ये देख सकते हैं जी गोल्ड का है, इसमें बना हुआ है कुछ, मैं आपको ऐसा करता हूँ बैक कैमरे से दिखाता हूँ, यह जो पसंद हुआ है जिनके दुकान से हम लोग खरीद रहे हैं उनको कहते कि देखिए हमको जन्मदिन के लिए कुछ स्पेशल चाहिए, तो कुछ अलग तरह का दिखाइए हमको, पता है कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है क्या नहीं लिया है, क्योंकि जब भी हम लेते हैं तो उनके ही शॉप से लेते हैं, तो कहे कि सुनिए आप तो सब कुछ दे चुके हैं इस तरह का कुछ दे दीजिए, तो हमने जो यह गोल्ड का ही मठिया खरीद लिया एक, तो देख सकते हैं जी आप लोग बताइएगा, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा ये सब पहनने के लिए, लेकिन एक निशानी है कि हमने क्रियांश को पहले जन्मदिन पर यह दिया है, तो बस इसलिए हम लोगों ने ले लिया, और उन्होंने बोला कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा क्रियांश के हाथ पे, तो सच में ये देख सकते हैं देख सकते। प्यारा सा कार्टून बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ऐसा करते हैं जिसको लेकर के चलते हैं माँ के पास, माँ भी नहीं देखी है इस चीज को, माँ भी देखे उनके पोते के लिए क्या है, तो उनके लिए भी सरप्राइज रहेगा, माँ बोल रही थी क्या लियो मुझे दिखा, तो माँ सोच रही थी कि कुछ गोल्ड का ही ली होगी, तो हमने बोला था माँ सरप्राइज दिखाएंगे आपको। जी सुनो, तुम यहीं पर बैठी रहो, क्रियांश जो बेड पर सोया हुआ है तो कभी भी गिर सकता है वो, तो इसलिए तुम जाओ हम ही दिखा करके आते हैं। जी हम नीचे आए तो देखिए माँ अभी सोई हुई है, तो माँ को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करते हैं, काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनका जो भी रिएक्शन होगा वो हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में, उनको दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं माँ को यह गिफ्ट जो है पसंद ही आएगा, और आप लोगों को भी यह गिफ्ट पसंद आया होगा, तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं
ही आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।